So let's talk about the missiles today. So I'm going to tell you the important ones. सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट हमारी होती है, अब अगर मैं बोलूँ के वाले टर्म्स की देखते, K4, K5, K15, के से आ गया के, दिस इज ऑल आर सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल. कौन सी? सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स. सबमरीन से लॉन्च कर सकते हैं सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल. कैसे याद रखें कुछ? सबमरीन एकदम सबमरीन भी कैसे दुबली पतली सी होती है, राइट? मतलब ज़्यादा उस पर ज़्यादा साइज़ में बड़ी नहीं थी, तो इसका भी नाम ज़्यादा बड़े नहीं है, छोटे छोटे. K4, K5, K15. K15 का एक नाम है सागर. सबमरीन रिलेट हो रहा है. सो दिस इज़ फर्स्ट टाइप. अगेन K4, K5, K15 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल. बैलिस्टिक मिसाइल तो है, बट कौन सी? सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल. सेकेंड जो इम्पोर्टेंट बहुत है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल. एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ये तो रट गया है. कौन कौन सी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है? फेमस नाग. नाग इज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल. ऐसा नाग एकदम नाग बन रहा है, नाग एंटी टैंक. नाग तो एंटी चुआ ना, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल. फिर हेलीना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल. और एक है, लोगों को यही पता होती है, नाग हेलीना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल. एक और है, वो है अमोघा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल. एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोघा. तो तीन याद रख सकते हैं हम इसमें, कौन सी? नाग, हेलिना, अमोगा. इसमें के दिस आर सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल. अब आगे बढ़ते हैं फॉर क्रूज मिसाइल. कौन सी फेमस क्रूज मिसाइल? क्रूज बोलते ही सबसे पहले क्या दिमाग में आना चाहिए? ब्रह्मोस. दिस इज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल. ओके. और ना मैं एक और ब्रह्मोस है, उसको मैं नीचे लिखती हूँ, उसका लॉजिक बताती हूँ. अरे यहाँ पे एक और है फिर, हमारी निर्भय सबसोनिक. रुको, इसको ना ऐसे करते हैं, रुको. निर्भय से स्टार्ट करते हैं. निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल. सेकंड वैसे फेमस यही है, ठीक है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल.
थर्ड ब्रह्मोस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल रिसेंटली बनी निर्भय सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल. सो हाउ टू रिमेंबर दिस निर्भय. सो उन लोगों ने सबसे पहले ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाया. ऐसा ब्रह्मोस टू सुपर के बाद उन्होंने हाइपर बना दिया एकदम हाइपरसोनिक क्रूज. फिर बोला निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल बनाते हैं राइट. तो ब्रह्मोस टू निर्भय वॉट क्रूज मिसाइल्स. नाउ नाउ वी हैव देखो सरफेस टू सरफेस मिसाइल ना सबसे इजी होती है मुझे लगता है. 1, 2, 3, 4, 3 सरफेस टू सरफेस मिसाइल. ऑल अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 आर सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स. अग्नि पृथ्वी 1, 2 धनुष धनुष देन यू हैव शौर्य प्रहार सारी की सारी जिसमें नाम लिख दो और सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स. एयर टू एयर मिसाइल्स अस्त्र मिसाइल पहले के जमाने में अस्त्र यूज करते थे अस्त्र मिसाइल. सेकेंड माइका थर्ड नोवेटर की 100 एयर टू एयर देन सरफेस टू एयर मिसाइल्स सरफेस से एयर त्रिशूल सेकेंड आकाश थर्ड बैरिक 8. लेट्स क्विकली रिवाइज. फर्स्ट वन सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल K4 K5 K15 सगरिका इज द नेम ऑफ K15 एंटी टैंक गैजेट मिसाइल हेलीना नाग अमोगा हेलीना इज लाइक 7 to 10 किलोमीटर्स रेंज नोबडी इज गोना आस्क इट. क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस टू निर्भय सब सोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस टू हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल. देन सरफेस टू सरफेस अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 पृथ्वी 1, 2 धनुष शौर्य प्रहार सरफेस टू सरफेस फायर यहीं लगेगी सरफेस पे तो फायर लाइक सरफेस टू सरफेस पृथ्वी पे लगेगी दैट्स व्हाई पृथ्वी एक धनुष शौर्य प्रहार राइट. देन एयर टू एयर अस्त्र मिसाइल माइका नोवेटर K100 सरफेस टू एयर त्रिशूल आकाश बैराक. Again, one important one is air refueler. Air to air refueler, which is Ilyushin 78 and C-17 is
ग्लोब मास्टर, ग्लोब मास्टर प्रीमियम ट्रांसपोर्ट का प्रीमियर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। देन इल्यूशिन 76 इज अगेन मिलिटरी एयर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ऑल्सो नोन एज कैंडिड 76 ये याद रखना। ऐसे सोचो कि फेल करते समय ऐसे 8 बनाना पड़ेगा, तो 78 इल्यूशन 78 इज़ फॉर रिफ्यूलर।